गुड मॉर्निंग हसन जी। यस, तो हसन जी जो है सो ब्लॉग वीडियो में वो क्या कहते हैं हाजिरी बना लिए हैं गुड मॉर्निंग बोल करके। सुबह सुबह आए हैं मेरे भैया बड़ा सा बैग लेकर के, और ये है सरप्राइज। रंग बिरंगे राखी लेके आई एंजल हो राखी, बंधवाले मेरे वीर बंधवाले भैया राखी बंधवाले मेरे वीर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। अच्छे नहीं है तो भगवान करे आप सब अच्छे हो जाए। हैप्पी सावन। बस आप सावन सिर्फ दो दिन ही बचा है ना, फिर ये सावन चला जाएगा, फिर भादो आएगा, फिर भादो में कादो कादो होगा, है कि नहीं? तो अभी तक कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए, मेरे वीडियो देख पाए, है कि नहीं? तो आज का गर्मी, ओ माय गॉड, ये गर्मी जून जुलाई वाला गर्मी कैसा पड़ रहा है। सावन है, सावन अब बीतने वाला है, दो दिन में सावन ख़त्म भी हो जाएगा, फिर भी ये कड़ाके की धूप और ये तेज की गर्मी, ओ माय गॉड, चेहरा झुलसा देने वाला ये गर्मी। और ये धूप जो है ना, इतना तेज का जो धूप जो अभी है, पता है सुबह से जो धूप जो निकलता है कम से कम 10 से 12 बजे तक का ये कड़ाके की धूप है, ओ माय गॉड, हर दिन रहता है। और तेज की गर्मी, चेहरा झुलस जाएगा, जो धूप में अभी सुबह में जो निकलेगा घर के बाहर उसको लू लग जाएगा। सब कहता है कि सुबह सुबह जो है मौसम ठीक रहता है, लेकिन नहीं, सुबह सुबह ही ज़्यादा धूप उग रहा है अभी अभी, इतना तेज की धूप है, ओ माय गॉड, हमको तो धूप देख करके चक्कर आ रहा है। और मेरे अभी रूम में जो है सो धूप आ रहा है, तो मेरा घर जो है सो गर्म हो गया है। दिखाते कितना तेज के कड़ाके की धूप है। तो क्या आप सबके इधर भी बारिश नहीं हो रही और तेज की धूप है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए कितनी तेज की कड़ाके की धूप है, ओ माय गॉड, देख सकते हैं, देखिए इतना तेज की धूप है कि आंख नहीं यहाँ पे जो है खोल के रख सकते हैं, आसमान में जो है ऊपर आप देख नहीं सकते हैं, देख रहे हैं, देखिए। गुड मॉर्निंग अंकिता। तो आप देख सकते हैं अभी अंकिता जो है सो कोचिंग से आई है, और इतना तेज के धूप में अंकिता साइकिल चला करके आई है, इसका चेहरा ओ माय गॉड लाल पीला हरा नीला सब हो गया है, और ये पंखा का जो है हवा भी कम पड़ रहा है, इतना कड़ाके की धूप है, देख रहे हैं खिड़की से आ रहा है धूप, ओ माय गॉड। और इधर देख सकते हैं ये है एंजल अर्चना, और ये है एंजल अर्चना के हस्बैंड जी, और ये भी है एंजल अर्चना, और ये है एंजल अर्चना के हस्बैंड जी। आप लोग ये फोटो देखते हैं ना मेरे वीडियो में तो कमेंट करते हैं कि ये आप नहीं आपकी बहन है, लेकिन नहीं, ये गलत फहमी है, ये एंजल अर्चना ही है यानी हम, और ये मेरे हस्बैंड जी है। और ये भी फोटो देख सकते हैं, ये मेरा जो है ना सो 6 साल का एनिवर्सरी जब हम मनाए थे तब का है, देखिए। आप लोग खामोखा कमेंट में कहते हैं ये आपकी बहन है, लेकिन ये तो एंजल अर्चना है। तो हम किचन में आ गए हैं अब जो है सो देखते हैं कि आज सब्जी में क्या बनाएगा और हम क्या बना सकते हैं और घर में सब्जी क्या है। ऐसे हस्बैंड जी अभी जग गए हैं, तो अब हस्बैंड जी जो है सो जाएंगे बाजार, फिर बाजार से सब्जी लाएंगे, है कि नहीं? फिर भी देखते हैं फ्रिज में क्या है, हम आज क्या बनाएंगे, है कि नहीं? तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ। तो फ्रिज में है ये गोभी, उधर सूखा हुआ खीरा, एक बैंगन, और इधर जो है टमाटर, धनिया के पत्ता। तो ये तो गोभी है, इसका सब्जी बनेगा, है कि नहीं? तो एक सब्जी तो है फ्रिज में, है तब तक के वही काट ले रहे हैं, फिर हस्बैंड जी बाजार जा करके कुछ सब्जी और लाएंगे तो फिर वो बनेगा। तो सबसे पहले हम किचन में जो है बर्नी मारेंगे,
और उसके बाद जो है सो सब्जी काटेंगे। और देख सकते हैं कि किचन में थोड़ा सा भी गंदगी नहीं है, है ना, एकदम किचन क्लीन है। तो देख सकते हैं कि मेरे घर पे कौन आए हैं, सुबह सुबह आए हैं मेरे भैया बड़ा सा बैग लेकर के, और ये है सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम किचन में बर्नी लगा लिए हैं, अब जा रहे हैं फटाफट से सब्जी काटने के लिए, है ना। और मेरे भैया आए हैं, है कि नहीं, बहुत दिन से नहीं आ रहे थे हैं, लेकिन आज आए हैं फाइनली में। तो अब जा रहे हैं, भैया को थोड़ा पानी देते हैं, है ना। तो हस्बैंड जी देखिए तैयार सियार हो गए हैं, अब निकल रहे हैं बाजार की ओर, हाथ में झोला ले लिए हैं, एक हाथ में मोबाइल है। गुड मॉर्निंग हस्बैंड जी। तो हस्बैंड जी जो है सो ब्लॉग वीडियो में वो क्या कहते हैं हाजिरी बना लिए हैं, गुड मॉर्निंग बोल करके। वो भी है सर। हाँ, और एप्पल भी चाहिए। और क्या, अरे वो पपीता को निकाल के रखो तो सब जाएगा। तो हस्बैंड जी बाजार से आ गए हैं, और सब्जी में क्या लाए हैं, हस्बैंड जी आए बाजार से क्या लाए, तो ये देखिए फिर से क्या लेकर के आए हैं। कमेंट करिए कि क्या चीज का पत्ता है, पहले हम बता चुके हैं और आप लोग भी देख के बता सकते हैं। फिर से यही बनेगा मेरे घर में, वही घिचा पिचा सब्जी सब, वही परवल भिंडी गोभी, है ना। तो चलिए आज हम पत्ता का फिर से टिकरी बनाने जा रहे हैं। और गर्मी, ओ माय गॉड, बहुत 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 ज्यादा काफी गर्मी है। अगर आप लोग के घर के बाहर कोई काम नहीं है, घर के बाहर मत जाइए, और घर में पानी पीजिए, ग्लूकोन डी घोर के पीजिए, नींबू पानी पीजिए, क्योंकि बहुत काफी हद तक की गर्मी है, बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, कितना तेज का गर्मी है। तो हम रोटी बना करके अभी अभी आए हैं, चूल्हे में जर करके आए हैं। अब ये आटा आया है खरीदा करके, तो अब इसको सबको चाल ले रहे हैं, देख रहे हैं पसीना। ओ माय गॉड, इतना पसीना आएगा तो हम मोटे कैसे होंगे और दुबले हो जाएंगे। हाँ नहीं तो, तो नाश्ता भी मेरा बन गया है, रोटी बन गया, सब्जी बन गया, टिकरी बन गया है, और हस्बैंड जी है नहा धोवा के भी तैयार हो गए हैं। तो हस्बैंड जी नाश्ता करेंगे, तो फटाफट से हम हस्बैंड जी को नाश्ता दे देते हैं, है कि नहीं। तभी तो हस्बैंड जी जाएंगे दुकान, तभी तो काम करेंगे, तभी तो पैसा आएगा, है कि नहीं। और रक्षाबंधन है कि नहीं। तो आप लोग अपने मायके जाते हैं रक्षाबंधन में, ये आप लोग के भाई, छोटे भाई या भैया, बड़े भैया आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है कि नहीं। हाँ नहीं तो, राखी वाखी खरीद लिए आप लोग, दूर देश वाले खरीद ही लिए होंगे, क्योंकि अब रक्षाबंधन नजदीक ही आ गया है, तो सावन हो जाएगा खत्म, फिर एक साल के बाद सावन आएगा। बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ। तो हस्बैंड जी को नाश्ता पड़ गया है, हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे हैं, हम लेकिन पसीना से लथपथ हस्बैंड जी हो गए हैं। देखिए कितना गर्मी है, ऊपर पंखा चल रहा है और हस्बैंड जी नीचे पसीना से लथर फथर हो गए हैं, इतना तेज की गर्मी, ओ माय गॉड। तो हस्बैंड जी नमक सही है सब्जी का? तो देख सकते हैं ये भुजा हुआ सब्जी है, इसमें रस नहीं पड़ा था, और टिकली और रोटी और साथ में पानी भी है। और आज हस्बैंड जी कहाँ बैठे हुए हैं सो भी देख सकते हैं, देहरी पे, इतना तेज कड़ाके की गर्मी पड़ रही है आज, ओ माय गॉड। हस्बैंड जी को देख करके आप लोग समझ सकते हैं कितना तेज की गर्मी है आज। अभी हस्बैंड जी नहा के निकले हैं, उसके बाद इतना गर्मी से पसीना आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो हम भी ये आटा जो है सो फटाफट से चाल ले रहे हैं, जल्दी जल्दी से। और आज भारी मुसीबत क्या है, ओ माय गॉड, एक तो इतना तेज की कड़ाके की गर्मी, और आज लाइट गायब हो गया है, लाइट आ गया है, पानी खत्म हो गया था। हम लोग सोच रहे थे
कि कैसे नहाए हैं, बैठे रहना पड़ेगा 2-3 बजे तक, लेकिन लाइट आ गया है तो अब हम लोग नहा सकते हैं। इतना तेज की गर्मी है फिर भी आज हम लोग नहाएंगे, फाइनली नहाएंगे, है कि नहीं। तो हम अभी बाजार से होकर के आए हैं, बाजार गए थे हाँ, नहीं तो और क्यों गए थे बताइए बताइए, बाजार क्यों गए? शॉपिंग करने के लिए है ना, मेकअप के सामान, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, सिंदूर, नहीं नहीं ये सब नहीं। ओ माय गॉड, क्या खरीद करके हम लाए हैं आज बाजार से, और इतना तेज का गर्मी, उसमें हम गए फटाफट से गए और झट्टा झट से आ गए हाँ, नहीं तो अभी दिखाते हैं कि हम बाजार से क्या खरीद के लाए हैं। तो ये देखिए बाजार से हम क्या लाए हैं, राखी लाए हैं, एंजल अर्चना आई और राखी लाई, रंग बिरंगे राखी लेके आई एंजल, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले रे भैया राखी बंधवाले मेरे वीर, रंग बिरंगे राखी लेके आई एंजल। जिसको भी राखी बंधवाना है अगर हमको अपनी बहन मानते हैं तो ऑफकोर्स मेरे घर आइए और हमसे राखी बंधवाइए और मेरे प्यारे से भैया बनिए और हमको अपनी बहना मानिए। कितना खूबसूरत राखी है। अभी बाजार गए थे ना, वहाँ ब्लॉग वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि अभी जस्ट बाजार गए थे, ब्लॉग वीडियो आप लोग देखे थे तो फिर इसीलिए। और इतना तेज की गर्मी है ना कि मेरा मोबाइल ऐसा है ना छुही मुही है और हम दूसरा मोबाइल ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि आमदनी नहीं है हाँ, नहीं तो फिर यही मोबाइल चला रहे हैं। तो धूप में जो ये हम अपना मोबाइल ले जाते हैं ना, बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकता, इतना हीट हो जाता है मोबाइल और आप रूपी मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, मोबाइल ही बंद हो जाता, इतना हीट हो जाता है मेरा मोबाइल। मेरा मोबाइल का नाम है, हम मेरा बच्चा है मोबाइल और उसका नाम है छुही मुही। तो आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ बने रहे, जुड़े रहे, इसके लिए दिल से थैंक यू, हैप्पी रक्षाबंधन पहले से ही है कि नहीं। आज जिस दिन रक्षाबंधन है रहेगा उस दिन तो हैप्पी रक्षाबंधन तो रहेगा ही रहेगा है कि नहीं। तो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए है ना, ताकि मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बताना है कि मेरे हस्बैंड जी को जो है ना बहन नहीं है, मेरे हस्बैंड जी 4 भाई ही है। तो अगर आप लोग में से कोई भी मेरी ननद और मेरे हस्बैंड जी की बहन बनना चाहती हैं तो ऑफकोर्स जरूर आइए रक्षाबंधन पे मेरे हस्बैंड जी के कलाई पे राखी बांधने के लिए हाँ, नहीं तो उससे आप लोग हमको भाभी भाभी बोलते हैं और मेरे हस्बैंड जी को भैया। तो अगर मेरे घर के आसपास है तो रक्षाबंधन के दिन आप लोग को इन्वाइट है, मेरे घर जरूर आइएगा मेरे हस्बैंड जी को राखी बांधने के लिए। अगर कोई भाई यहाँ पे हमको अपना बहन मानते हैं, हैं, अगर आपका मन है कि रक्षाबंधन के दिन मेरे यहाँ आए और हमसे राखी बंधवाए तो ऑफकोर्स आ सकते हैं मेरे घर एंजल अर्चना के घर और राखी बंधाइए। प्यार प्यार का बंधन, रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार है कि नहीं। तो चलिए ये ब्लॉग वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ और वीडियो सब देखिए, अच्छा लगता है लाइक कमेंट करिए शेयर करिए है कि नहीं। बाय बाय।